मेरा जो आई एरिया है वो बहुत अफेक्ट हो रहा है, बिकॉज नींद नहीं पूरी हो रही, टायर्ड। तो मैंने एक नया लैश सीरम ट्राई किया है वह, तो उसको थोड़ा सा इस तरह से फिंगर्स में लेके लैशेस पे मसाज करना है इस तरह से, और आईब्राउज पे। दिस इज़ माई डे वन ट्राइंग दिस, क्योंकि यू ऑल नो कि मैं किसी भी चीज़ का रिव्यू जो है वो आप लोगों को एकदम से नहीं देती। थोड़ा सा मैं इसका रिज़ल्ट देखूँगी, उसके बाद बताऊँगी। तो ये जो मेरे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं उनके लिए ये हेयर एनर्जी का, ये उन्हीं के तीनों प्रोडक्ट्स हैं। Day 4. ये है जी हेयर एनर्जी का अंडर आई डार्क सर्कल ब्राइटनिंग 24 कैरेट गोल्ड सीरम। डार्क सर्कल्स विजिबली रिड्यूस्ड इन 14 डेज। तो मेरा चौथा दिन है। रेडी टू स्लीप। इन प्रोडक्ट्स के साथ ये होता है कि जब आप लगाते हैं तो वो स्टिकीनेस की वजह से आपको इतना इफ़ेक्ट नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप सुबह मुंह धोते हैं और इसे वॉश करते हैं तो उस वक्त आपको डिफरेंस पता चलता है। तो चार दिन में हल्का फुल्का फ़र्क मुझे पता चला है, एंड सही रिज़ल्ट तो कंप्लीट होने के बाद कम अज़ कम 10 दिन में पता चलेगा कि ये कैसा वर्क करता है। तो आप लोग ख़ुद भी देखेंगे। जी जनाब, बाज़ारों के चक्कर इतने लग रहे हैं कि मेरी जो स्किन है वो इफ़ेक्ट हो रही है, और गर्मी इतनी होती है बाज़ारों में कि यकीन करें मैं जो मास्क लगाती हूँ लिटरली गीला हो जाता है, और गाड़ी में बैठती मैं उसे सबसे पहले उतार के साइड पे रखती हूँ। लेकिन मास्क लगाने का फ़ायदा, वहाँ तो मुझे इतने फ़ैन्स मिलते हैं बाज़ारों में। 3 चक्कर मेरे लगे हैं क्योंकि किसी ने कलर सही नहीं किया, किसी ने दुपट्टे की लेस सही नहीं लगाई। जो भी काम कराएँ अपने सामने कराएँ। तो बहरहाल ये तो सबक है ही हमारा कि आप किसी पे काम छोड़ देंगे तो वो काम सही से होगा नहीं। तो बहरहाल, तो जी अपनी सेल्फ केयर के लिए मैंने 3 प्रोडक्ट्स लिए हैं जो कि अफोर्डेबल हैं। आई लैश ग्रोथ के लिए, जिसकी मुझे बेइंतहा ज़रूरत है। डार्क सर्कल्स के लिए, जो ज़िंदगी में मुझे कभी नहीं रहे, या शायद हाँ एक टाइम पर रहे थे जब मैं कोई मार्केटिंग की जॉब करती थी, तो अब जाके मुझे फ़ील हो रहा है क्योंकि मेरी नींद भी इफ़ेक्ट हुई है। तो इस वजह से शायद मैंने जब ऑर्डर करना चाहा तो उन्होंने मुझे खैर कॉम्प्लीमेंट्री भेज दी चीज़ें, एंड दे सेड कि आप हमें बताइएगा ज़रूर कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आज मेरा 5वां दिन है मैं ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, जिसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो है इनकी अंडर आर्म क्रीम, ब्रांड का नाम है हेयर एनर्जी। अंडर आर्म्स जो हैं, पहले इस पर बात कर लेते हैं, अंडर आर्म्स हमारी क्यों डार्क हो जाती हैं। ज़्यादातर औरतों की अंडर आर्म्स डार्क होती हैं क्योंकि फ़ीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो एज के साथ साथ ज़्यादा आते हैं। तो नंबर 1 हार्मोनल चेंजेस, नंबर 2 जिस तरह से हम अपने फेस का ख्याल रखते हैं, अपने हाथों का ख्याल रखते हैं, उस तरह से हम अपनी बाकी बॉडी पार्ट्स का ख्याल नहीं रखते, तो अंडर आर्म्स भी निगलेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से अंडर आर्म्स डार्क रह जाते हैं। तो इसके जो 2 मैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पढ़ रही थी वो हैं ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन का मुझे पता है, अक्सर याले भी मुझे बताती है कि कितना कमाल है, ये स्किन को वाइट करता है बगैर स्किन को नुकसान पहुँचाए हुए, बल्कि इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं, स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है। और कॉजिक एसिड, वो भी एक अमेजिंग इन्ग्रीडियंट है, और जब ये क्रीम लगाते हैं तो ये आपकी स्किन क्यूटिकल्स के अंदर जाके, फॉलिकल्स के अंदर जाके, और ये काम करती है। उसके बाद आपकी स्किन टोन जो है वो टाइम के साथ साथ लाइट होना शुरू हो जाती है, वो आपको नज़र आती है। और एक एडिड बेनिफिट इसका ये है
कि जो कि ब्रांड क्लेम करता है कि ये आपकी जो हेयर ग्रोथ है उसको भी कम करती है, और जब आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो फिर आपको एक लेज़र वाला इफ़ेक्ट मिलेगा कि आपकी हेयर ग्रोथ इतनी कम हो जाएगी। तो मैं आपको ये क्रीम अपने नकल्स पे लगा के दिखाती हूँ कि कितना फ़र्क पड़ा है। तो आपने इस क्रीम को थोड़ा सा लेना है और अंडर आर्म्स में लगाना है, डार्कर एरियाज़ पे, और हल्का सा मसाज करना है, और सिर्फ अंडर आर्म्स नहीं, कोई भी बॉडी आपके जैसे एल्बोज़ होती हैं, नीज़ होती हैं, या और भी कहीं आप अगर लगाना चाहें जो पार्ट आपकी बॉडी का डार्क है या इफ़ेक्ट हुआ हुआ है उस पे आप इसे लगा सकते हैं। ये फिफ्थ डे है मेरा एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। लैश फूड ये है, टिन्नू सी बॉटल है, मगर चूंकि लैशेस पे सीरम कम यूज़ होता है तो दिस कैन लास्ट लॉन्ग। और इसके अंदर है केराटिन, बायोटिन और कोलेजन, ये तीनों चीज़ें कमाल हैं। तो मैं लेती थी अमेज़ॉन से लैश सीरम, काफ़ी साल मैंने यूज़ किया है और वो मेरे एक्सेस से बाहर है क्योंकि यहाँ किसी के पास नहीं है, और जब भी मैं यूके जाती हूँ अमेज़ॉन से ऑर्डर करती हूँ तो फिर वो आता है या फिर ये है कि कोई जाए तो वो लेके आए। तो मेरा दिल चाहा कि मैं अपने पाकिस्तान के किसी ब्रांड की कोई प्रोडक्ट ट्राई करूँ, तो ये लैश फूड जो है ये मैंने 5 दिन ट्राई किया है। दिस इज़ टू अर्ली टू से, थोड़ा बहुत फ़र्क तो आई कैन सी, और एज के साथ साथ लैशेस तो हल्की होती हैं, और हमारा काम है ही एक्टिंग मेकअप का, रोज़ मस्कारे लग रहे हैं, लैशेस लग रही हैं, फिर मैंने 2 दफ़ा लैश एक्सटेंशन भी कराई है तो उससे तो लैशेस बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती हैं। तो बहरहाल आप अगर वापस से अपनी प्रॉपर केयर शुरू कर दें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, दिस आई हैव सीन। उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और अपने आप को टाइम दें। तो ये आता है ड्रॉपर में इस तरह से, ये देखिए मैंने 4 दिन में कोई 7-8 ड्रॉप्स तो यूज़ किए हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रैक्टिकल ये होगा, मैं आपको दोनों तरह से यूज़ करना बता देती हूँ। अगर आप इसे ड्रॉपर के साथ यूज़ करते हैं तो आप इसे अपनी फिंगर पे 2-3 ड्रॉप्स मसाज करें फिंगर पे, और उसके बाद अच्छी तरह से लैश लाइन पे अपनी, और कि ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाए जहाँ जहाँ हेयर लाइन है आपकी। अंडर लोअर लैश पे भी लगाएं, ओके, और आप इसे ऐसे ही डैप कर सकते हैं अपने आईब्राउज पे, या फिर अगर आपके पास ये स्पूली है तो स्पूली को आप बॉटल के अंदर डिप करें और एक्सेस जो है उसको अच्छी तरह से निकाल दें, बिकॉज हमें प्रोडक्ट वेस्ट नहीं करना, नंबर वन, एंड नंबर टू ये कि ज़्यादा प्रोडक्ट लगाएंगे आँखों के अंदर जाएगा, इधर उधर ड्रिप करता रहेगा तो वो इतना फ़ायदा भी नहीं करेगा। तो इसको आप इस तरह से अपने आईब्रोज पे अच्छी तरह से लगा दें, ओके, रिमूव द एक्सेस स्किन से। इसके बाद है जी डार्क सर्कल्स के लिए, अगर आप ये प्रोडक्ट 2 दफ़ा लगाएं सुबह शाम या मेकअप के नीचे भी लगाएं तो आपके डार्क सर्कल्स जो हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। मैं चूँकि एक टाइम ही लगा रही हूँ तो मुझे 50% तो फ़र्क पड़ना चाहिए, तो वी स्टिल हैव 3 more days टू गो, तो विल सी। तो ये एक इस तरह से रोलर में आता है, इसके इंग्रेडिएंट्स में वो 5 इंग्रेडिएंट शामिल हैं जो अंडर आर्म क्रीम में थे और जो लैश फूड में थे। इसमें है केराटिन, बायोटिन, कोलेजन प्लस ग्लूटाथायोन और कोजिक एसिड। तो इसको आपने इस तरह से रोल करना है और उसके बाद आपने इसको हल्का 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 डैब करना है।
Okay. So, this is it. ओके जी, 3 दिन बाद आपसे मुलाकात होती है फाइनल रिजल्ट के साथ, और अगर ये प्रोडक्ट अच्छा हुआ और मुझे फ़ायदा हुआ तो फिर मैं इसके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। यू विल सी इट फॉर योरसेल्फ 3 दिन के बाद। माय 6th डे यूजिंग दिस। दिन हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे 10 दिन हो गए हैं तकरीबन वो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए, और आज मैंने आपको अपना फ़ाइनल और ऑनेस्ट रिव्यू देना है उन तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में। इसलिए कि मेरी कोशिश होती है कि किसी भी चीज़ का मेरा अच्छा एक्सपीरियंस हो वो मैं आपसे शेयर करूँ ताकि आपको फ़ायदा हो, और अगर बुरा एक्सपीरियंस हो तो वो मैं आपसे शेयर करूँ ताकि आप लोग उसे ट्राई करने और डिसअपॉइंट होने से बच जाएँ। तो जी, मैंने आपको बताया था हेयर एनर्जी के ये 3 प्रोडक्ट्स, जो कि लैश सीरम, जिसकी मुझे बहुत सख्त ज़रूरत थी क्योंकि मैं जो यूज़ करती हूँ बहुत एक्सपेंसिव है और वो इतना इजीली अवेलेबल भी नहीं होता, उसके लिए मीन्स और सोर्स देखनी पड़ती है जो मुझे यहाँ तक पहुँचा सके। आई वॉन्टेड कि हमारा लोकल कोई इस तरह का ऑप्शन हो जो मेरी लैशेज़ को स्ट्रेंथन करे। आई नो कि लैशेज़ को ग्रो करने का प्रोसेस स्लो होता है, मैजिक नहीं होता, लेकिन आपको हफ्ते 10 दिन के इस्तेमाल से पता चल जाता है कि कैसा प्रोडक्ट है और किस तरह से आपको फ़ायदा दे रहा है। लेकिन जो डार्क सर्कल का प्रोडक्ट है वो बहुत ज़बरदस्त रहा, क्योंकि मैं बहुत थकी इन दिनों में और बहुत मेरा हेक्टिक स्केड्यूल रहा, तो उन दिनों में मेरी आई एरिया जो था वो स्लीपलेसनेस की वजह से, और वो सारे टाइम आपके सामने ही थे, बहुत डार्क हो गया और बहुत टायर्ड आईज़ और अंडर आई एरिया मेरा लगने लगा। तो उसके यूज़ करने से ये हुआ कि वो जो एक डार्कनेस थी मेरी अंडर आई में इस एरिया में, वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। सो इसका मतलब है कि अगर उस प्रोडक्ट को लॉन्ग रन में यूज़ करें या ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करें तो आपको फ़ायदा दे सकता है। तीसरा प्रोडक्ट मैंने अपने नकल्स पर ट्राई किया, और बेसिकली वो अंडर आर्म लाइटनिंग क्रीम है, जिसका मैंने आपको बताया था मेन प्रोडक्ट है ग्लूटाथायोन, जो कि स्किन लाइटनिंग, ब्राइटनिंग, इवन टोन करने के लिए बहुत बेस्ट है। तो उस प्रोडक्ट को मैंने अपने नकल्स पे ट्राई किया है, और आप देख सकते हैं कि माय नकल्स सीम लाइटर देन बिफोर। वो जो एक डार्कर पैच था यहाँ पे, वो लाइट हुआ है, तो विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि अगर कोई चीज़ बहुत जल्दी असर करती है तो वो भी अच्छी नहीं होती। यू शुड बी केयरफुल, इसका मतलब है उसमें कोई स्किन डैमेजिंग एजेंट्स हैं जो कि स्टेरॉइड्स हैं, जो कि आपको लॉन्ग रन में बहुत सिवियर प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ स्लो है इसका मतलब है वो लास्ट करेगी। तो जी, मेरा फाइनल रिव्यू इन तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में ये है। रिकैप करते हैं जी, हेयर एनर्जी की ये अंडर आर्म क्रीम है, क्लीन स्किन पे कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करें अपने ट्रीटमेंट के लिए तो मेक श्योर कि आपकी स्किन जो है वो क्लीन है, अदरवाइज़ वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहली केयर तो ये है कि आपने क्लीन, अच्छी धुली हुई, साफ़ सुथरी स्किन पे अप्लाई करना है ये। और नंबर 2 ये कि अंडर आर्म्स हमारे क्यों डार्क हो जाते हैं, अक्सर आप देखते हैं कि हमारे लिप का एरिया एज के साथ साथ डार्क हो जाता है, हमारी अंडर आर्म्स डार्क हो जाती हैं, उसकी 2 मेन रीज़न्स हैं। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि एज के साथ साथ हमारी स्किन जो है वो मेलेटोनिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, उसकी वजह से हमारी स्किन डार्क हो जाती है।
और दूसरा ये कि जिस तरह से हम अपने फेस का ख्याल रखते हैं उस तरह से ना हम अपनी नेक का ख्याल रखते हैं, ना अपने हाथों का, ना अपने पाँव का, ना दूसरे बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखते हैं, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, उतना फ्रीक्वेंट आप नहीं कर सकते जितना फेस का करते हैं, बिकॉज़ फेस एक्सपोज्ड होता है डिफरेंट चीज़ों के लिए, उससे ज़्यादा प्रोटेक्शन और केयर की ज़रूरत होती है, लेकिन आप दूसरे पार्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसे आपने साफ़ स्किन पे अप्लाई करना है। मुझ पे आपको इतना असर इसलिए भी नहीं नज़र आएगा बिकॉज़ इसकी मैं जब इंस्ट्रक्शंस पढ़ रही थी तो इन चीज़ों को दिन में दो दो दफ़ा यूज़ करना है, और मैं एक एक दफ़ा यूज़ कर पा रही थी, करना चाह नहीं रही थी लेकिन मैं कर पा रही थी क्योंकि माई स्केड्यूल वॉज सो हैक्टिक एंड आई वॉज़ वेरी बिजी, बट स्टिल आई मेड श्योर कि मैंने ये रिव्यू शुरू किया है। और इसे मैं ट्रैवल भी कर रही थी तो वहाँ पे भी यूज़ किया है मैंने, आपने देखा होगा फर्स्ट डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सेवन्थ डे, तो मैंने टाइम टू टाइम इस प्रोडक्ट का यूजेज आपको बताया है और इस्तेमाल करके बताया, और आज मैं इसकी फ़ाइनल वीडियो बना रही हूँ। लैशेस भी एज के साथ साथ हल्की हो जाती हैं, मैंने लैश एक्सटेंशन कराई, मस्कैराज लगा लगा के, मेकअप कर करके, या फिर अगर आप ये सब नहीं भी कर रहे हैं तो अपनी आई लैशेस का ख्याल ना रखने से भी आपकी लैशेस जो हैं वो कम होती हैं, और एज के साथ साथ तो वैसे ही कम होती हैं। प्रोडक्ट आप ज़रूर ट्राई करें, और मुझे बल्कि ये भी पता चला है कि इनका लैश फूड और अंडर आई डार्क सर्कल जो रोलर है, जो क्रीम है, उस पर इनका 23% ऑफ भी है। व्हाट अ टाइमिंग, ज़बरदस्त। तो मुझे भी नबीहा के लिए ऑर्डर करना है क्योंकि नबीहा का मेन कंसर्न है कि मुझे अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं, तो मैंने कहा मैं अपने ऊपर ट्राई कर लूँ, फिर मैं नबीहा के लिए मंगाऊंगी या उसे अपने वाला ट्राई कराऊंगी एंड देन आई ऑर्डर, क्योंकि अब तो सेल लगी हुई है तो मैं एक और बंडल चुप करके ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि उन्हें पता चल गया तो मुझे फिर फ्री भेज देंगे एंड आई डोंट वांट दैट। तीसरा प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करती रही वो है अंडर आई डार्क सर्कल सिरम 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है, ये तो मुझे नहीं पता कि इसमें गोल्ड है कि नहीं है, लेकिन ये पता है कि दिस प्रोडक्ट डिड वर्क। इसका डब्बा मैंने संभाला हुआ है, ये है, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। हेयर एनर्जी इज़ द ब्रांड, इन केस अगर आपको ऑर्डर करना हो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप लोग ये तीनों प्रोडक्ट्स या कुछ और भी चेक करना हो आपने तो आप चेक कर लें। इस प्रोडक्ट के मेन इंग्रेडिएंट्स भी वही हैं, ग्लूटाथायोन और कोजिक एसिड। ये कैरेटिन, बायोटिन, कोलेजन है, और ग्लूटाथायोन और कोजिक एसिड है जो कि आपकी स्किन को लाइटन करता है सेफली विदाउट डैमेजिंग इट, क्योंकि सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और इसकी आपको ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एज के साथ साथ सबको डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, वर्किंग वीमेन होती हैं, बाहर जाती हैं, वेदर कंडीशंस होती हैं, केयर नहीं करते, सन ब्लॉक नहीं लगाते, सन एक्सपोजर होता है, लैक ऑफ स्लीप होती है, थकावट होती है, डिफरेंट टायरिंग स्केड्यूल्स होते हैं, स्पेशली औरतों के, बच्चों के साथ जो हाउसवाइफ्स हैं उनकी भी लाइफ बहुत टफ होती है, उन्हें बहुत सी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, स्ट्रेस से भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, लैक ऑफ स्लीप से हो जाते हैं, तो हो जाते हैं। हमने क्या करना है, हमने उसे ट्रीट करना है, क्योर करना है, उसके रीजंस को ख़त्म करना है, अपनी लाइफ को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि हमारे टाइम्स मैनेज हो जाएं, जिसमें हमें अपनी केयर का टाइम मिले, अपने रेस्ट का टाइम प्रॉपर मिले और हमारे काम भी हो जाएं। तो जाहिर है आई नो, आई अंडरस्टैंड, आई एम अ वर्किंग वूमेन एंड घर भी देखती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि ये सब चीज़ें पूरी किए बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है। और जो औरतें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के लिए प्रॉपर होती हैं कि उनको हर चीज़ टाइम पे चाहिए, ऑर्गेनाइज चाहिए, घर में हर चीज़ अपनी जगह पे रखी हो, साफ़ हो, बच्चे उनका स्केड्यूल प्रॉपर हो, टाइमिंग प्रॉपर हो, डिसिप्लिन बच्चे हों, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो बस उसमें आपने सिर्फ अपना टाइम जो है उसको एडजस्ट करना है, जिसमें आपने अपनी सेल्फ केयर भी रखनी है, अपना रेस्ट, अपनी फूड, पानी ज़्यादा पीना है, तो बस देखें, देन मैजिक बिगिंस। तो जी, ये था रिव्यू, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट दीज प्रोडक्ट्स बाय हेयर एनर्जी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ट्राई करें और चेकआउट करें इनकी सेल और इनके इस बंडल पे, जिसमें कि अंडर आई डार्क सर्कल 24 कैरेट सिरम है और लैश फूड है, इन पे 23% ऑफ है। तो आप जाके चेकआउट करें और ऑर्डर करें अपने लिए। इफ़ यू हैव चिल्ड्रन हु आर 12+, तो आप उन पे ये ट्राई कर सकती हैं, अपने आप पे तो ज़रूर ट्राई करें, बिकॉज यू डिज़र्व द बेस्ट। योर मॉम, योर हाउस वाइफ, योर अ ग्रोन अप गर्ल, हु एवर यू आर, योर अ ग्रैंड मॉम,
तो आपका तो सबसे ज़्यादा हक है. सो गो अहेड, पैम्पर योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस. सो पैम्पर योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस. मेरी तरफ से इतनी ही वीडियो थी. अब आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी. अगली दफ़ा आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. एंड आई अंडरस्टैंड कि ये इतनी जल्दी नहीं होगा, इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम. सो मे बी हफ्ते 10 दिन में आप मुझे बता सकते हैं कि इन प्रोडक्ट का क्या रिज़ल्ट है, कैसे जा रहे हैं, और दे आर वेरी अफोर्डेबल. तो गो अहेड एंड ऑर्डर, और आस्क योर हस्बैंड्स टू ऑर्डर फॉर यू बिकॉज यू डिज़र्व इट. ओके, गुड नाइट. आई एम गोइंग टू गो स्लीप, टेक सम रेस्ट. And I'll see you in my next video very, very soon. Another video coming up, जो कि बहुत ही exciting है. I am very excited about it. तो आपसे मुलाकात बहुत जल्द हो रही है एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो में. अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह. अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे.